वायरल पॉइंट के मज़्ज़ नजर असल तहरीकी इंसाफ ने आज बलोचिस्तान जोब के मकाम पर वर्कर कन्वेंशन करना है यही वजह है कि वहाँ की इंतज़ामिया ने ग्राउंड में पानी छोड़ दिया और वजह यह थी कि कल जब पशीन में वर्कर कन्वेंशन होना था तो वहाँ की इंतज़ामिया ने कुर्सियाँ उठा ली तो वहाँ की ज़िद्दी आवाम ने ज़मीन पर बैठ कर वर्कर कन्वेंशन को जलसे में बदला और पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का डंका बजने लगा तो यही वजह थी कि आज की इंतजामिया ने कुर्सियाँ तो हटवानी ही थीं लेकिन उससे पहले वहाँ पर पानी भी छोड़ दिया ताकि न वहाँ पर बैठ सकें और नर्कर कन्वेनशन हो सके उसके बावजूद काफ़ी तादाद में आवाम वहाँ पर जमा है जबकि अगर देखा जाए तहरीक इंसाफ के नौजवान वर्कर सालार काकड़ जो हैं उनकी निगरानी में बड़े बड़े काफले जो हैं वो जोक वर्कर कन्वेंशन की तरफ रवा दवा हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि बलोचिस्तान की आवाम वहाँ के सरदारों को टफ टाइम देते हुए नज़र आती है बलोचिस्तान की आबादी चूँकि कम है और रकबा बहुत ज़्यादा है तो ये आबादी बहुत दूर दूर इलाकों में फैली हुई है शहरी इलाकों की तरह यहाँ पर आबादी करीब करीब नहीं पाई जाती वहाँ पर हज़ार बंदा या पाँच सौ बंदा जमा करना भी बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन कल पशीन के मकाम पर हमने देखा कि एफ़ सी मलेशिया और पुलिस के शदीद डाउन के बावजूद हज़ारों की तादाद में आवाम वहाँ पर पहुंची सड़कों और ज़मीन पर बैठ कर अपना वर्कर कन्वेंशन किया और हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे थे जिनको पुलिस एफ सी और मलेशिया ने जगह जगह पर रोके रखा अब देखना यह है कि आज इंसाफ का यह नौजवान रहनुमा जोक वर्कर कन्वेंशन में कितनी तादाद लाने में कामयाब होता है और क्या वो यहाँ तक ख़ुद भी पहुँच पाता है या नहीं क्योंकि उसके काफ़िले को भी जगह जगह पर रुकावटों का सामना है बाकी आप इस बारे में क्या राय रखेंगे कि क्या, क्या जो डी जो ए वर्कर कन्वेंशन आराम से नहीं होने दे रहे वो इंसाफ के इलेक्शन को हाईजेक करने में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे